नए साल की खुशी मनाना ठीक है जी हाँ। देखिए यहाँ पर भी एक वही मसला है जो हमने हदीस पाक अर्ज की है और तीन इसकी शराइत बयान की है कि ये तीन अगर शर्तों में से तीन शर्तें मफूद होंगी तो इस हदीस के तहत आएगा वरना नहीं। उसी में आप देख लें, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ नए साल मनाने का कोई शर्म तस्वुर नहीं है, ये हकीकत ठीक है, ये बाहर से ही तस्वुर आया है, कुछ सालों से हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब मसला ये है कि ये ममनू तो नहीं है क्योंकि ये उनका कौमी शियार भी नहीं है, देखा जाए तो किसी कौम की अलामत नहीं है। कौम की अलामत का मतलब ये कि जैसे आप उस अमल को देखें एक जहन किसी खास कौम की तरफ चला जाए, ठीक है, किसी की तरफ नहीं जाता है, तो लिहाजा कौमी शियार तो है ही नहीं। फिर ये मुसलमानों में बहुत ज्यादा राइज हो चुका है, फिर इसमें किसी के कौम की मुशाबहत का कस्बो इरादा नहीं है, किसी कौम से मोहब्बत की वजह से नहीं है, तो जायज है। अब आया अंदाज कि अंदाज कैसे अख्तियार किया जाए, इसमें अगर आप ढोल ढमके करते हैं, डांस करते हैं, कोई नाजायज उमूर है, लड़के लड़कियों का इख्तिलात है, तो ये चीजें नाजायज हैं। ये तो किसी भी खुशी में नाजायज, किसी भी खुशी में नाजायज है, लिहाजा साल का आगाज की खुशी मनाना शरण ममनू नहीं होगा। उसमें हम अक्सर ये मशवरा देते हैं कि आप देखें दो चीजें, एक है कि साल की खुशी, नए साल की खुशी मनाने की तरगीब देना, एक है कि जो लोग पहले मना रहे हैं उनके हर अमल की इसलाह करते हुए सही अमल की तरफ माइल करना, ये दो अलग अलग चीज है। हम नहीं दे रहे, कोई नहीं कर रहा ना करे, बहुत अच्छी बात है, आप दीगर अपना शियार अपनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें आप अच्छी चीज की तरफ माइल करने की कोशिश करें, मसलन नाथ खानियों की निकात करें, नंबर है तो उस दिन आप दुरूद और सलाम के साए में नए साल में दाखिल हो जाए, ये एक रिवायत बहुत रही है जी हाँ। हमारे यहाँ कई हो रहा है अलहम्दुलिल्लाह, और ये और बढ़ना चाहिए।